तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब स्कोरी में। दोस्तों, BSF ट्रेड्समैन की फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताएंगे, और कब तक भरना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट डेट 3 मार्च 2019। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फॉर्म ऑफलाइन है, और कहाँ भेजना है भर के स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे मैं बताऊँगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा था कि कब से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, फॉर्म नहीं मिला है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे भरना है। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउजर पर गूगल सर्च पर आकर और फ्रेंड्स आपको सर्च कर लेना है BSF। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ही पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में मिल जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑप्शन और यहाँ पे इसका लिंक। तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आपको क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिर एक और रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, इस रिक्वायरमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने BSF का जो फॉर्म है वो कब से कब आया हुआ था सारे फॉर्म आपको यहाँ पे आपको BSF मिल जाएंगे, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डेट मिल जाएंगे 4/2/2019, यानी कल का आया हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा BSF ट्रेड्समैन की है, मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली आपको कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये डाउनलोड के लिए पूछेगा, मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा, तब तक वीडियो को रोकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे PDF आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग डेट नॉर्मल एरिया का मिल जाएगा 3 मार्च 2019, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स ये मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारे वीडियो बना रखा है, तो सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ फ्रेंड्स आपको भर के आपका फॉर्म भेजना कहाँ है। तो नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको 3 नंबर में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे कब से कहाँ भेजना है, यहाँ पे आपको स्टेट नेम और यहाँ पे जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के, तो यहाँ पे कश्मीर रीजन का आपको इस एड्रेस पर भेजना है। अगर कश्मीर रीजन से आप आते हैं तो वहीं फ्रेंड्स, अगर जम्मू कश्मीर से जम्मू रीजन से आते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका एड्रेस ये रहेगा, आप देख लीजिए आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। वहीं पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का फ्रेंड्स ये एड्रेस रहेगा, सारे आप अपना एड्रेस देख सकते हैं। गुजरात का एड्रेस ये रहेगा, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान, हरियाणा का एड्रेस ये रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए ये सब एड्रेस है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार, सिक्किम का यहाँ पे ये एड्रेस है, यहाँ पर भेजना होगा आपको। वहीं पर फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल का यहाँ पर ये एड्रेस मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा फॉर्म डाउनलोड करके आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसके तो पहले मैंने बता रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, और UP दिल्ली का फिर यहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड्स कहाँ भेजना है, एड्रेस भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स कोई आपको और कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए वीडियो आपको बनाकर समझा देंगे फ्रेंड्स, और आपको कमेंट करिएगा तो कमेंट में रिप्लाई भी देंगे। तो इसके लिए मैंने सब वीडियो बना रखा है, जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए नीचे मैं आपको बता दूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना कैसे है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रेड मिल जाएगा, ट्रेड टेस्ट का आप देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी आपको कैसे ये क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स चलते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे फ्रेंड्स देख रहे हैं जो ये फॉर्म हो गया आपका, ये 14 नंबर है, ये फॉर्म है 14 नंबर में जो है आप देख सकते हैं। यहां पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना फोटो चिपका लेना, और यहां पे फ्रेंड्स अप्लाई कौन किस स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे फिल कर लेना है। और फ्रेंड्स अपना नाम, पिताजी का नाम यहाँ पे भर लेना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स अपना कास्ट भर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जेंडर भर लेना है, मेल या फीमेल, और यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस भर लेना है, मैरिड अनमैरिड, अपना स्टेट भर लेना है, और यहाँ पर अपना फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, और यहाँ पर फिर डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका पूरा एड्रेस, पिन साइज चाहिए, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे फिर परमानेंट पोस्टल एड्रेस को फिल कर लेना है, वही एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस, मोबाइल नंबर भी फिल कर लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना कौन से कास्ट है यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 100 रुपये चार्ज देने होंगे, आप पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा आपके डाक, जहाँ पर आपका डाक होगा
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल भर लेना है, मैट्रिक पास पे है, मैट्रिक ट्वेल्थ ग्रेजुएशन जो भी आप इसको फिल कर लेना है। और फ्रेंड्स आगे आपको सारी चीज़ यहाँ पे टेट टेस्ट का भी यहाँ पे मिल जाएगा फिल करने के लिए, और फिजिकल का भी यहाँ पे पासिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप यक सर्विस मैन है या नहीं है पहले से वो मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आप पोस्टल एड ऑर्डर लेंगे उसके नंबर वंबर नंबर जो होंगे यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डेट प्लेस भर लेना है, और यहाँ पे थंब लगा लेना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर लगा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे जो 16 नंबर में मिलेगा आपका एडमिट कार्ड होगा, जो यहीं आपको आएगा फिजिकल एडमिट कार्ड। इसके बाद नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिटर्न एडमिट कार्ड, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स उसका फॉर्म मिल जाएगा। ये सारे फॉर्म आपको भर के भेजना है, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे ये भी इस वीडियो में आगे बता दे रहा हूँ। तो चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपसे मैं बात कर लेता हूँ कुछ, और ये फॉर्म आप देख लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो सारे फॉर्म दिख रहे हैं उस पर आपको फोटो लगा लेना है, और फ्रेंड्स आपको 100 रुपये का ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर भी लगा लेना है, आपको मिल जाएगा आसानी से। और फ्रेंड्स आपको जो 12th पर भरें 10th पर भरें उसका सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना कास्ट भी सर्टिफिकेट लगा देना उसके नीचे। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आई डी कार्ड जो भी हो वो भी एक लगा देना, और आपका सिग्नेचर भी रहेगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो आज की इस वीडियो में इतना ही।